हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई ने 11th क्लास का बायोलॉजी का सिलेबस भी रिलीज कर दिया है। इट मीन्स जो आपका सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है, कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं। जैसा आपको पता है, टर्म वन और टर्म टू दो बार आपके एग्जाम होंगे। टर्म वन 50 मार्क्स का है, टर्म टू भी 50 मार्क्स का है। टर्म वन जो आपके 50 मार्क्स का है, उसके अंदर 35 मार्क्स की थ्योरी है और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो इट मीन्स आपके दो बार प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। टर्म वन में भी प्रैक्टिकल होगा, टर्म टू में भी प्रैक्टिकल होगा। अब देखिए, जो आपके 35 मार्क्स की थ्योरी है, उस थ्योरी के अंदर आपका फर्स्ट यूनिट वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम एंड फोर्थ इज एनिमल किंगडम, ये चारों चैप्टर आपके टर्म वन में आएंगे। सेकेंड यूनिट जो है आपकी, उसमें से चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी वाला आएगा। चैप्टर नंबर 6 डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो भी आपके सिलेबस में है, टर्म वन के अंदर आएगा। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है, उसके अंदर से चैप्टर नंबर 8 और 9 आएंगे। चैप्टर नंबर 8 आपके सेल वाला है और चैप्टर नंबर 9 आपके बायोमोलिक्यूल का है। ये आपके टर्म वन का थ्योरी पोर्शन। अब टर्म वन का जो प्रैक्टिकल है, 15 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होगा, वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड है। पार्ट ए के अंदर 1 मेजर एक्सपेरिमेंट है 4 मार्क्स का, 1 माइनर एक्सपेरिमेंट है 3 मार्क्स का। पार्ट बी के अंदर आपके स्पोर्ट्स हैं, ओनली 3 स्पोर्ट्स आएंगे 3 नंबर के। देन पार्ट सी में आपके रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट और वाइवा है। तो रिकॉर्ड आपको बनाना है। रिकॉर्ड के अंदर जो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको बताया, वो एक्सपेरिमेंट आपको रिकॉर्ड में करने हैं। प्रोजेक्ट आपको पार्ट वन के सिलेबस में से जो भी चैप्टर आपको अच्छा लगता है, जिसपे आपके कंसेप्ट क्लियर हो, तो वहां आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। और वाइवा आपके थ्योरी पोर्शन पे डिपेंड करता है, तो अच्छे से थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि एमसीक्यू बेस होगा आपका पेपर। देन उसके बाद में ये का ये पैटर्न आपके टर्म टू में भी रहेगा। अब टर्म टू का जो सिलेबस है, उसके अंदर भी कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं। एक तो चैप्टर नंबर आपके 16 डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 16 आपके डाइजेशन वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 और 12, चैप्टर नंबर 11 और 12 प्लांट्स रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 तो आपके ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और चैप्टर नंबर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन, वो डिलीट हुआ है। तो 11, 12 और 16 वाला जो चैप्टर है वो डिलीट हुआ, बाकी एज इट इज सारे चैप्टर आपके टर्म टू में आएंगे। तो हमें तैयारी करनी है अच्छे से, तो अभी हम प्रिपेयर हो जाएं टर्म वन के लिए।